आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एबिस स्कैन की, जो कि मैटर मेडिका की फर्स्ट मेडिसिन है। तो इसे हम याद करने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से। तो देखिए, इसका हमने ट्रिक बनाया है खाऊ आलसी। खाऊ आलसी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाता है और ये आलसी होता है, इसका जो पेशेंट होता है। और इसका जो मेन इम्पोर्टेंट करैक्टर है, एबिस कैन ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन विच कॉजेस इनडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, फ्लोटलेंस, कॉन्स्टिपेशन विद बर्निंग इन द रेक्टम। यानी कि इसका पेशेंट इतना खाता है कि उसे जितनी भूख हो उससे भी ज़्यादा खा लेता है, जिससे उसे जितनी भी गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम होती है वो सभी से हो जाती हैं। अब हम जान लेते हैं इसके अदर सिम्टम्स, अदर कैरेक्टर्स। जैसे कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन सिलेक्शन ऑफ एबिस स्कैन। जैसे कि हमने बताया था कि इसके गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स सबसे ज़्यादा इसमें मायने रखती हैं एबिस स्कैन के सिलेक्शन में। इसके बाद डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन विद सीवियर पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट। इसका पेट ऐसा लगता है जैसे अलग से उभरा हुआ हो, एंड इसके जो हार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होता है। वांट्स टू लाइट डाउन ऑल द टाइम, हमेशा लेटा रहना चाहता है। और इसे क्रेविंग फॉर मीट, पिकल्स, रेडिस, टर्निप्स, फूड। और इसे जो खाने में मीट पसंद होता है, रेडिस पसंद होती है, अचार पसंद होते हैं, ये सब इसके लाइक्स हैं, डिज़ायर्स हैं। तो ये इसका जो मेन, आपको याद करने का इसका जो मेन करैक्टर है, एबिस कैन ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम इसे मेन प्रॉब्लम्स होती हैं सब इसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से इसकी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इस वीडियो में हमने बात करी एबिस स्कैन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। थैंक यू।